आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस समय मैं चित्रकूट धाम के उन जगहों पर लगातार संतों से बात करने का प्रयास करता हूँ। इस समय मध्य रात्रि 10:30 बज रहा है रात्रि को, और आप चित्रकूट में जब भी देखते हैं कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो चित्रकूट में दिन में दिखते हैं, लेकिन वास्तविक कभी कभी चित्रकूट की कुछ सच्चाइयां हैं साधु संतों से संबंधित, गऊ संबंधित या किसी प्रकार के चित्रकूट से संबंधित, वहां हम आपको वास्तविक चित्रकूट की कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हम आपको वो चीज दिखाने जा रहे हैं जो आप देख करके वास्तव में आपको आश्चर्य होगा कि चित्रकूट धाम में वास्तव में लोग कैसे लोग जीवन यापन करते हैं संत के स्वरूप में, वह मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। एक संत जी हैं, देख सकते हैं बरसात हुई है लगातार, कहीं भी बैठने लेटने की जगह नहीं है। इस समय वो यहाँ पर सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के पास हैं और शटर के पास लेते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ सांप बिच्छू किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो विचरण कर रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं। आइए हम प्रयास करेंगे उनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। सर मैंने कहा आपको कि अभी मैं संत जी के पास आ चुका हूं और उनसे जानूंगा कि महाराज जी कहाँ से आए हैं, क्या है, और यह जो संत बनने की आपकी प्रक्रिया रही और इतना कठिन परिश्रम के बाद संत स्वरूप में आज उनसे हम जानेंगे, महाराज जी से स्वयं बताएंगे। जी महाराज जी, हम कानपुर निवासी हैं। अच्छा अच्छा, और व्यापारी परिवार से हैं। जी जी जी, और मन में आशा इच्छा हुई कि साधु बनेंगे, साधु बन गए। आके यहाँ हमारे ऊपर हाथ रखने वाले बहुत हैं, जिन्हें अपने बाप के अलावा दूसरे से हम हाथ ही नहीं रखवाते। अब लेटने बैठने की व्यवस्था तो देखा ही रहे हो, सही पूरा जमीन में आप लेटे हुए हैं, कोई भी नहीं, बिना कुछ बिछौना है ना आपके पास कुछ, बिछौना में ये चदरा है बस। सत्य कहना ठीक है, देखो घर परिवार का सुख अलग होता है, ये साधु सुख अलग होता है। जी जी जी, इसी को सुख भोगने की, इसी सुख की इच्छा से संत बने। नहीं, घर पे तो डबल बेड पे ऊपर लेटे होते। अभी सिमटे। कब आए आप कानपुर से? हम 2 साल हो गए चित्रकूट में रह रहे। चित्रकूट में रह रहे हैं। अच्छा, किसी स्थान आश्रम में क्यों नहीं आपने किया, बस ऐसे विचरण यात्रा? यात्रा अपने आजाद पंछी रहते हैं। जी जी, आश्रम में रहेंगे तो सब टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, यहाँ तो परम धाम भोजन करने जाते हैं बस। अखंड परम धाम। अच्छा, हमने देखा अखंड परम धाम में बहुत सारे संत भोजन प्रसाद पाने के लिए जाते हैं, दोनों टाइम भोजन कराते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए आश्रम पर वो भी आश्रम एक संत का है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, परमानंद महाराज का आश्रम है। सत्य कहूंगा कि अखंड परम धाम में मैंने कई जगह देखा, संतों से जब बात करता हूँ तो वास्तव में इनको भोजन वहाँ मिलता है। और क्या कहना चाहेंगे आप चित्रकूट धाम में, क्या जो 2 वर्षों से लगातार रह रहे हैं चित्रकूट, आप शुद्ध फक्कड़ हैं, क्योंकि आपके पास दम तक हम चित्रकूट छोड़ के ना जाएंगे, कहीं चाहे सोने के बिस्कुट कोई खिलाए, लेकिन हम चित्रकूट छोड़ के ना जाएंगे, ना जाएंगे। हाँ, हमसे जाने कितने बाबा कर रहे, वृंदावन चलो, हम कहे तुम दौलत बटोरो, हम दौलत को लात मार के आए, हम यही ठीक है, हमको खाना मिलता बहुत है। अच्छा, तो ये कह रहा था महाराज जी, विवाह शादी करके क्या, शादी नहीं की, शादी नहीं की, अनमैरिड है, अनमैरिड है, अनमैरिड है, अनमैरिड है, पढ़े लिखे क्वालिफाइड है, कंप्यूटर चला रहे, राइफल रिवॉल्वर चला लेते, गाड़ी चला लेते। वाह, मतलब सब कुछ गुण होते हुए फिर अंत में वैराग्य पैदा होगा, वैराग्य पैदा हुआ और चित्रकूट धाम ही इस तपस्थली में आके आप रुके, यही हमारे लिए जगह उत्तम हमको समझ में आई। तो ज्यादातर आप इन्हीं क्षेत्रों में रहते या अदर कामतानाथ मंदिर मंदिर की तरफ जाते? कामतानाथ भी जाते हैं, और कामतानाथ से एक रोड आई है जो तुम्हारा बाईपास, बाईपास नहीं, सीधे रोड आई है शिवरे धर्मशाला होती है, शिवहरे शिवहरे शिवहरे, कपला पशुआर वाले हमारे रिश्तेदार फूफा लगते हैं वो हमारे। क्या बात क्या बात, लेकिन हमने आज तक उनसे भी सपोर्ट नहीं मांगा। ना सामना किया, अभी बुआ आए थे भंडारा देसी घी कर गए थी, हम उस दिन वहाँ गए नहीं थे, खाने नहीं गए, हमका 150 विदाई क्या होती है, सामने ना पड़े अच्छी बात। जी जी जी, आप रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं है आपका? 2 साल से घर में फोन नहीं लगाया कि हम जिंदा के मर गए। फोन रखते हैं कि नहीं रखते आप? मोबाइल अब रखना बंद कर दिया, तो मोबाइल तो हम सऊदीया के चलाए, हम सऊदीया से मंगा के। क्या बात है, मतलब आपने खूब, तो दो मतलब संत बनने का कब से आपका मतलब हुआ? 2 साल के पहले हमारे संत बनने की इच्छा जागृत हुई। हाँ, घर पर हुआ सब छोड़ दिया, छोड़ दिया जो कपड़े एक अटे छीन लेके आए थे। हाँ, शिव धर्मशाला के सामने रख के आग लगा दी थी, शिव हरे के सामने। ब्रांडेड कपड़े थे, कुटांस कंपनी के पैंट थे, कोशक शर्टे थी, तो वहाँ के सूर्य कर्मचारी कर रहे थे जलाना महाराज हमको दे दो, हम पहनेंगे, हम कहे नहीं, जितने दिन हमारी इनकी लिखी थी दिखी थी, इनका हमारा रिश्ता टूट रहा से,
दूसरे का सहयोग की जरूरत नहीं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो भोजन प्रसाद अभी करिया आपने ना किया हो तो व्यवस्था की जाए तत्काल। हम करके आए हो बताए महाराज हम। हाँ। अब हम उत्तक खाने के लिए नहीं जीते, हम जीने के लिए खाते हैं। अभी जिसने परसा होगा वो सोच में पड़ गया होगा कि अभी इस उम्र में इतना कम खाया, इतने चावल दो रोटी खाई। हाँ, हाँ, हाँ। पहले घर पे जब रहते तो 20 रोटी खाने की ताकत रखते थे और खाते थे। अब तो ये दो रोटी चावल मिल गया, रात कट जाएगी, सुबह फिर दो रोटी चावल खा लिया, दिन कट गया। अब तो जिंदा जब तक भगवान सीताराम सीताराम। अच्छा, तो जंगल की तरफ क्यों आप विचरण नहीं कर रहे, जैसे कोई मतलब कुटिया उटिया बना करके बढ़िया एकांत में भजन के साधन। हम ऐसे ठीक, हम कुटिया उटिया ना बनाएंगे, ना बनाएंगे, इसी तरह रहेंगे साधु के रूप में, इसी तरह आप विचरण करते हुए भगवान कांतारा जी के चरणों में। अच्छा अच्छा, और पहले क्या अनुभव हुआ दो वर्षों में जो समाज को कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? पहले मुझको ये जब थे परिवार में तो हमेशा ये सोचते थे कि मैं मर जाऊंगा तो मैं भाइयों के कंधे में अंतिम यात्रा करूंगा। रो भी देता था ये बात कह के घर पे। लेकिन अब मुझको तमन्ना नहीं है कि हमारे अंतिम यात्रा में भाई शामिल हो या ना हो, हमारा परिवार शामिल हो या ना हो। जो मेरी यात्रा में शामिल होगा वो ही मेरा अपना होगा। यहाँ महामंडलेश्वर हमारे गुरु महाराज हैं। क्या नाम है आपके गुरु जी? राम नरेश दास। कहाँ के हैं? सतना बस स्टैंड के पीछे आश्रम है उनका। हाँ, हाँ। और सर हर प्रकार संपन्न है, फोर व्हीलर भी रखी है। कुछ दिन उनके आश्रम में हम रहे हैं, कुछ महीना रहे हैं, उसके बाद आजादी से आश्रम छोड़ दिया था। और अभी मुलाकात होती है, अभी भी सीताराम होती है। अब आपके गुरु हैं तो आपको सीताराम नमस्कार जब मिलेंगे तो। अरे मेरा कहने का करने गुरु गोविंद गो खड़े काके लागम पा, तो गुरु तो प्रथम है ना, तो ये बात सत्य है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, मैं निकल रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बात करने के लिए मैं जरूर करूंगा। मैंने कहा अगर बात करेंगे और हो सकता है, मैंने कहा दुखी न हो, परेशानी न हो, कोई किस कारण पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा बात करेंगे और जानेंगे। और ये क्योंकि जब से संत बने तब से फीवर कोई बीमारी शरीर में नहीं है। क्या बात, आज तुमको ये दिल की बात बता रहे हैं। घर पे थे, बड़े सहज से रहते थे। बीपी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बुखार आ रहा है, परेशान रहते, कभी बारिश की शिकायत हो जाती थी। आज भगवान को सब आपने समर्पण कर दिया तो अब सब सब रोक दो, सब ले लिए, रोक दो सब ले लिए। क्या बात, हम किसी से ये बात बताई नहीं, तुमको आज बता रहे। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं वास्तविक सच्चाई, जो ये संत जी हैं। संत जी आपका नाम, आपके गुरु ने क्या रखवाया? गुरु का नाम नहीं, आपका नाम, असली नाम रवि है। रवि है आपका? रवि जी, रविदास जी हो गए आपसे। तो ये संत रविदास जी की तरह है, पूज्य संत वो भी थे, उन्हीं के नाम में है। और दो वर्षों से लगातार वैराग्य इनके जीवन में आ गया। पूर्व में एक अपना घर में भी रहते थे, लेकिन गले की आड़त पे बैठते थे। और इनकी सच्चाई दिखाऊंगा कि कैसे विश्राम करेंगे रात्रि। थोड़ा चित्रेश पंडित जी दिखाइए, और ऐसे देखिए, एक चद्दर, हम लोग सोफा और गद्दे और चद्दर के बिना नहीं रहते। इनकी सच्चाई देखिए, ये चित्रकूट के ऐसे भी लोग संत हैं जो रात में आपको देखने को मिल जाएंगे। वो पर्दा है एकांत में, की जगह वो भी का पर, किसी चीज का पर्दा है, पर्दा किसी चीज का पर्दा है। एक बॉटल पानी है और तकिया है अपना लिए, तकिया के लिए। अच्छा, तकिया पानी दोनों काम करेगा ना, जब पीने की इच्छा होगी तो पानी पियेंगे, और जैसे ही सर में लगेगा कि तकिया लगाना है तो तकिया के लिए इन्होंने देखिए दो तरीके से ऑप्शन बना दिया है। तो ऐसी ही जमीनी स्तर की चित्रकूट धाम से संबंधित कुछ संत, तापस्वी, गौ, जो भी हमारे समझ में नजर में आता है, जो सच्चाई है। आप लोग दिन में वो चीजें नहीं देख पाते हैं जो कभी कभी रात में रहस्यमय चीजें देखने को मिलती हैं, तो भाई हमने दिखाने का प्रयास किया। ऐसे ही जुड़े रहिए आप सब, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे बात की। हमें लगा कि संत जी नाराज ना हो जाए। डोंट माइंड, पढ़े लिखे क्वालिफाइड है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप शिक्षित व्यक्ति हैं, और आपका दो वर्ष पहले संत बनना भी एक कहीं ना कहीं भगवत संबंधित टच हो जाना, कहीं से परमात्मा ने इन रेखाओं में लिख दिया, वैराग्य हो गया। माता जी है आपकी? इस पार कर चुकी। तो पिताजी? इस पार कर चुकी। तो इसीलिए आप मुक्त है, माता पिता की सेवा से भी मुक्त है आप। शादी की नहीं, शादी की नहीं, इसलिए आपको संसार का बोझ तनिक भी नहीं सता रहा। ये घर में नहीं कर सकता, कह सकता
ये फर्ज निभाओ आके हमसे, ये कोई का कहने का अधिकार नहीं है। चलिए महाराज जी बहुत अच्छा है, अब ये वीडियो आपका यूट्यूब चैनल में जाएगा, देवानंद गुरु जी चित्रकूट लोग देखेंगे, लोगों को भी समझ में आएगा। हम आप क्या कहना चाहिए, लोग बाबा बने या कि घर पे ही रहे? देखो जो गृहस्थ में जीवन जी रहे हैं वो गृहस्थ में रहे, हाँ। और जिनकी इच्छा अगर जागृत हो तो जरूर बाबा बने। बाबा बनने का एक अपार सुख, अलग सुख होता है, इसको मैं अच्छी तरह अनुभव कर चुका हूँ। क्या चलिए किसी दिन बात कर, हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज नकारात्मक चीजों में भी बात करने का प्रयास करते हैं। अभी हम कोई एक विशेष तंत्र सम्राट ढूंढ रहे हैं जिनसे चर्चा की जाए, सामाजिक कल्याण भी हो, और उनसे भी जल्दी मुलाकात होगी और आप लोगों को जानकारी। इसी तरह संतों के दर्शन किसी न किसी रूप में भगवान श्री कामतानाथ की नगरी में मिलते रहेंगे। हम इस समय जहां से अपडेट दे रहे थे, जहां की आपको दर्शन करा रहे हैं, यह स्थान जानकी कुंड के बगल का है, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट मॉल बना है, उसी के पास ही महाराज जी वहीं पर बैठे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी है, और यहाँ पर थोड़ा सूखा है, पत्थर लगे हुए और चद्दर बिछाए हुए, तकिया पानी की बोतल है, और ऐसे संत से हमें मुलाकात हुई। जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम, धन्यवाद। जय सिया राम।